हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉइन मास्टर MD में। तो आज बात करेंगे एक रुपया कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा जो एक रुपये का कॉइन्स है, ऐसा वाला एक रुपया कॉइन्स में आज बात करेंगे 1986 वाला कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों का पास भी 1986 का कॉइन्स है, तो आपको क्या क्या चीज़ देखना है इस कॉइन्स में। तो दोस्तों, 1986 में इसे इंडिया का 3 मिंट से डाला गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट। इस कॉइन्स का मेटल की बात करें तो ये दोस्तों कॉपर निकिल मेटल है, वेट है 6 ग्राम, साइज है 26 mm, शेप है सर्कुलर। ये है दोस्तों कॉइन्स का ओवर साइड, ये देखिए बीच में अशोक का पिलर, अशोक का पिलर के नीचे में सप्तमी विजय थे, लेफ्ट साइड भारत और राइट साइड इंडिया। ये है दोस्तों कॉइन्स का रिवर्स साइड, सबसे ऊपर है हिंदी में लिखा हुआ रुपये और बीच में है इंटरनेशनल अंकों में 1, दो साइड में है 2 गेहूँ की बालियाँ, 1 का नीचे में है इंग्लिश में रुपी और सबसे नीचे है इसका ईयर्स 1986। तो दोस्तों, ये जो मेरा हाथ पर कॉइन्स है, ये दोस्तों कोलकाता मिंट का कॉइन्स है। तो दोस्तों, बात करते हैं इस कॉइन्स का प्राइस। तो दोस्तों, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का जो कॉइन्स है, ये दोस्तों नॉर्मल कॉइन्स है। बॉम्बे कलकत्ता मिंट का कॉइन्स का प्राइस है UNC कंडीशन में 20 रुपया तक, क्योंकि दोस्तों कलकत्ता मिंट और बॉम्बे मिंट का जो कॉइन्स है, ये दोस्तों नॉर्मल कॉइन्स है, करोड़ में छापा गया था, इसलिए दोस्तों ये दोनों मिंट का कॉइन्स नॉर्मल है। तो आपको देखना है हैदराबाद मिंट का कॉइन्स। तो ये देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, ये दोस्तों हैदराबाद मिंट का कॉइन्स है। तो दोस्तों, आपको भी यही देखना है 1986 वाला हैदराबाद मिंट का कॉइन्स। तो दोस्तों, ये जो हैदराबाद मिंट का कॉइन्स है, तो दोस्तों 1 साल पहले इस कॉइन्स का प्राइस था 500 रुपया, लेकिन दोस्तों आज की डेट में इस कॉइन्स का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों, हैदराबाद मिंट का कॉइन्स का प्राइस है 500 से 2000 रुपया तक, फाइन कंडीशन में 500 रुपीस और UNC कंडीशन में 2000 रुपीस 1986 हैदराबाद मिंट का कॉइन्स का प्राइस है। तो दोस्तों, आपको भी यही चेक करना है। तो दोस्तों, आप लोगों का पास भी ऐसा 1 रुपया कॉइन्स है और 1 रुपया कॉइन्स में आपको 86 वाला भी कॉइन्स है, तो आपको ये हैदराबाद मिंट का कॉइन्स कलेक्ट करना है या अपने कलेक्शन में एड करके रखना है। तो दोस्तों, ऐसा वाला कॉइन्स भी आप लोगों का पास है हैदराबाद मिंट का, तो ऐसा वाला हैदराबाद मिंट का कॉइन्स संभाल के रखिए, आगे जाके ऐसा हैदराबाद मिंट का कॉइन्स का प्राइस और भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कॉइन कलेक्टर बहुत ही ज़्यादा हो गया है, इसलिए दोस्तों कॉइन्स का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, कॉइन्स कलेक्टर जितने ज़्यादा हो रहा है, कॉइन्स का डिमांड उतना ही ज़्यादा हो रहा है, तो दोस्तों इसलिए कॉइन्स का रेट बहुत ही ज़्यादा होते जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों का पास भी रेयर कॉइन्स या म्यूल कॉइन्स, ईरोल कॉइन्स है, तो ये सब कॉइन्स आप लोग संभाल के रखिए, आगे जाके ऐसा वाला कॉइन्स का बहुत ही ज़्यादा प्राइस होने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।